जो यहाँ कई सालों से रह रहे हैं उनको पता होता है ना कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। सिर्फ हमको करना है ये हुकुमशाही बंद करिए। आज लोगों के दुकानों में पानी गया है, आज उनका जो नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदार कौन है? कि आपको पैसा कमाना है, आपको रोड बनाना है, आप कमाओ, लेकिन कम से कम आजू बाजू दुकान वाले को तो पूछो कि आपको क्या चाहिए। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुंब्रा के संजय नगर भगत सिंह चौक में और आपको बता दें कि यहाँ पर जो ये नया कॉन्क्रीटीकरण रोड बनाया गया था, दरअसल बारिश के शुरुआत में ही आप हालात देखेंगे कि नया जो रोड बनाया गया, जो गटर यहाँ पर बनाया गया था, ये बारिश में जो है भर गया है और यहाँ ऊपर से पानी जो है बताया जा रहा है कि जो लोगों की दुकान है वहाँ पर ये पानी जा रहा है। तमाम गटर के जो ढक्कन है वो खोलकर यहाँ छोड़ दिया गया है क्योंकि पानी जाने की जगह नहीं है। ये तस्वीरें भी आप देखेंगे किस तरह से ये भरा हुआ है। बताया जा रहा है कि ऊपर की तरफ से जो पानी आ रहा है गटर से, उसमें मिट्टी कचरा इस तरह से आ रहा है, इस वजह से ये भर गया है। और जो ये रोड का कॉन्क्रीटीकरण किया गया है इसको लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है कि ये रोड पहले से अच्छा खासा था तो इस पर कॉन्क्रीटी क्यों किया गया, इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। सुधीर भाई, क्या बताना चाहेंगे आप, किस तरह से इस रोड के बन रहा था उसी वक्त जो है लोगों ने एतराज जताया था? अच्छा, आपने बताया कि जब ये रोड बन रहा था तभी लोगों ने एतराज जताया था, हालांकि ये रास्ता बनाना नहीं चाहिए था। अगर बनाना भी चाहिए था तो उसको खोद करके बनाना चाहिए था। आज की तारीख में ये 8 इंच इसके ऊपर चढ़ा दिया है, उसकी वजह से सभी दुकान में, और ये चीज़ मैंने मई महीने में जब ये बन रहा था तभी मैंने इतला की थी और यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ था जिसको आप ही लोगों ने कवर किया था कि इसमें 100% पानी जाएगा। आप देखो कोई चीज़ का एक जीवंत उदाहरण है इंजीनियरिंग की फेलियर, सिर्फ पैसे कमाने के लिए और एक काम लोगों को दिखाने के लिए कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। यहाँ के जो नगर सेवक है, यहाँ के इंजीनियर, ये फेल्योर है। आज लोगों के दुकानों में पानी गया है, आज उनका जो नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदार कौन है? जब लोग यहाँ के, मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ कई सालों से रह रहे हैं उनको पता होता है ना कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। आप ज़रा उनसे पूछा करिए, सिर्फ हमको करना है ये हुकुमशाही बंद करिए। जो 5-6 साल में यहाँ पर जो हुकुमशाही हुई ना, जहाँ पर जो करना है, मैं कुछ दिनों पहले उस शाखा के इधर भी देखा था कि जबरदस्ती जिसका जो स्लोप नहीं है उस स्लोप में वो लोग अपना चेंबर डाल रहे थे, एक जो नेचुरल फ्लो है उसको आप देख सकते हो। ये पहाड़ी इलाका है, आप कितना भी करो गटर से पानी नहीं जाएगा, आप कुछ भी कर लो पानी रोड पे से आएगा। यहाँ के जो बिल्डिंग्स है उसका जो फ्लो होता है पानी का वो रोड पे से जाता है, रोड पे से जाके वो ये गटर जो भर गया है यहाँ पर, इसकी वजह क्या है? कचरा भरने की वजह से भरा या ये गलत तरीके से जो बनाया गया है? इसकी दो वजह सकती है, एक तो साफ सफाई नहीं की गई है और जो बारिश आई है उसकी वजह से अटका है, लेकिन उसको बनाने का तरीका, उसको साफ करने का तरीका होता है, आज वो नहीं किया गया उसकी वजह से। लेकिन ये करने के बावजूद भी मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पूरा फेलियर है। जो कॉन्क्रीट रोड पैसे कमाने के लिए जो कॉन्क्रीट रोड बनाया गया है ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये पैसे कमाने के लिए कॉन्क्रीट रोड ये संजय नगर के ऊपर माथे पे मारा गया है। इसके नीचे का कॉन्क्रीट रोड मैं आपको 4 कदम दिखाता हूँ, उसके नीचे इसका 4 कदम के इसका कॉन्क्रीट पुराना रोड है, वो इससे बेहतरीन है। उसको क्यों हिलाया गया आप देख सकते हो, कॉन्क्रीट रोड जो पहले की जो कॉन्क्रीट रोड का स्लैब है वो एकदम फर्स्ट क्लास है, उसके ऊपर चेंबर का स्लैब है, उसके ऊपर 4 इंच लोगों ने भर करके सीधा सीधा सस्ते में काम किया है। ये सस्ते में काम करने की वजह से ही आज ये नौबत आई है। आज जो गरीब लोगों का या बाकी लोगों का नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? अब ये उन नगर सेवक जिन्होंने ये मंजूर किया है उनको पूछना पड़ेगा कि जो ऑलरेडी रास्ता था उसको और ये बनाने की जरूरत क्या थी। और सबसे बाद उसके बाद वो इंजीनियरिंग आती है कि इंजीनियर का ये इंजीनियरिंग का फेलियर है ये, कि उनको पता है कि यहाँ दुकान है उससे नीचे हमको करना है, यहाँ पर आजू बाजू में दुकान है उससे नीचे हमको ये रोड करना पड़ेगा। कचरा फंसा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, क्या वजह क्यों है बनाने के बाद? अब जब बनाने के लिए गए रहेंगे वो लोग ने उसमें स्लैब डाला है नहीं डाला है, उसके अंदर जो बाम्बू वो लोग ने स्लैब के लिए रखे थे वो निकाले के नहीं निकाले, परांची जो बांधी जाती है स्लैब कवर करने के लिए वो निकाली नहीं निकाली, या कुछ और चीज़ फंसी हुई है। लेकिन मसला यह है कि यह होने के बावजूद भी जो रोड पर जो पानी आता है, जो बारिश हैवी आती है, वो ऐसा कहना है कि रोड से पानी जो उनके दुकानों में भी जा रहा है, वही मसला है क्योंकि आजू बाजू में बिल्डिंग्स है, आगे पहाड़ है, जो स्लोप से बारिश आएगी वो पूरी दुकानों में जाएगी और दुकानों का जो पहले और अभी का पूरा अंतर फर्क आ गया। आप मेरे साथ अगर 4 कदम आगे चलते रहेंगे तो मैं आपको पुराना रास्ता दिखाने को तैयार हूँ, आप आइए।
ये है पुराना कंक्रीट रोड, आप देख सकते हो। अगर उसको बनाना भी था, कहीं भी आपको लाइन टूटा हुआ कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा। इससे खराब रास्ते मुमरा के अंदर और कई जगह पर है, इससे खराब रास्ते समझे, लेकिन फिर भी इसको बनाने की जरूरत क्या नौबत आ गई। और अगर ये रास्ता यहाँ पर ये रोक दिया गया, देखो आप देख सकते हो इसकी हाइट, देखो आप वो गाड़ी गई है, इसकी हाइट देखो, अगर बंद कर दिया गया क्योंकि उसके ऊपर आंदोलन हुआ था। मेरी एक बात सुनो, अगर ये नहीं हुआ होता तो आज इनके भी घर में पानी जाता था। ये देखिए इसकी लेवल है क्या, इनके इनके दुकान में पानी जाता था। अगर वो रास्ता अगर ये लोग ने रोका नहीं होता तो शायद आज इनके घर में दुकानों में भी पानी जाता था आज वो। मेरे बात है कि आपको पैसा कमाना है, आपको रोड बनाना है, आप कमाओ, लेकिन कम से कम आजू बाजू दुकान वाले को तो पूछो कि आपको क्या चाहिए। दर्जी भी कपड़ा सिलाता है तो उसको पूछता है ऊपर पॉकेट रखूँ या नहीं रखूँ, कॉलर रखूँ या नहीं रखूँ। अगर घर में अपनी माँ या बहन खाना बनाती है तो पूछती है कि आज तीखा बनाऊँ कि मीठा बनाऊँ। तो वैसे ही यहाँ के जो लोग हैं जिनको ये तकलीफ हो रही है, उनको पूछा जाना चाहिए था कि आपको कंक्रीट रोड बना के दे रहे हैं हम लोग, तो कैसा बनाया जाए, नीचे बनाया जाए या ऊपर बनाया जाए, इनको फुर्सत नहीं है। स्थानीय लोगों का ऐसा कहना था कि यहाँ पर रोड बनाने की जरूरत नहीं थी, जो रोड था वो सही था। यही मेरा कहना है, मैं भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ लोगों का, हमने लोगों से पूछा गया है और उसके बाद जो चीज़ काम की गई है। हम जब रोड बनाए थे तो 30 फुट का था, लेकिन जब लोगों ने हमसे मीटिंग की तो हमने उसको 25 फुट का किया। इसका मतलब दोनों ने कहीं तो भी समझदारी दिखाई। अभी अभी वहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ साफ करने के लिए? अभी देखो आज वो साफ होगा, लेकिन जो पूरा बारिश का पानी है वो पूरा नाले से नहीं जाता है। कहीं कुछ भी कर लो आप, नाले से नहीं जाता, जगह कम है और ये पहाड़ी इलाका है। थोड़ा हमको समझना चाहिए, जब समतल जगह होती है और पहाड़ी इलाका होता है तो पानी नाले में जाता है। ये पहाड़ी इलाका रास्ते से ही पानी आएगा। सुधीर भाई अभी तो थोड़ी सी बारिश में ये हाल है, अभी जब लगातार बारिश होगी तो इस एरिया का क्या हाल है? मैं तो अभी इस एरिया को राम भरोसे, ऊपर वाले अल्लाह मालिक करम करें ये लोग को बचाए, ना तो हर हर दिन जब जब बारिश होगी इन सबके दुकानों में पानी जाएगा। लोगों की दुकानें बंद है, नुकसान हो रहा है, उसकी नुकसान की भरपाई का क्या है? का आणि इथून नका काढवा, आता तो फ्लो आला ना तर तुम्हाला घेऊन जाईल, तो तसंच काढायला लागेल। जेट मशीन साहेब, जेट मशीन मागून घ्या ना। आणि मी काय म्हणतो, हे जेवढे जेवढे चेंबर्स आहेत ना हे लोखंडी करा, जेणेकरून पाणी आला तर त्याच्यात जाईल, तो लोखंडी चेंबर बनवा आणि तो पाणी त्याच्यात डायल्यूट करायचा प्रयत्न करा। आणि सर्व स्लोप तुम्ही एका बाजूला, आता एवढी काय करता येईल, आता याच्यावरती लास्ट उपाय उपाय करा, तुम्ही बसा आणि याच्यावरती, हे फार चुकीचं झालं। आणि आम्ही सांगून सुद्धा, जनता इथली सांगून सुद्धा तुम्ही हे करतात। तो आपने सुना कि यहाँ पर जो पूर्व नगर सेवक है सुधीर भगत, वो यहाँ पर आए थे, किस तरह से यहाँ के स्थानीय लोगों ने विरोध जताया था। आने जाने वाले लोगों को भी ऐसे तकलीफ हो रही, देखेंगे आप जो इस सोसाइटी बिल्डिंग में रहते हैं, यहाँ पर पानी भरने की वजह से उनको भी तकलीफ हो रही है आने जाने में। ये गटर जो है यहाँ पर भरा हुआ ऐसा बताया जा रहा है कि पहाड़ की तरफ से जो पानी आता है वो काफ़ी प्रेशर में आता है, लेकिन यहाँ पर जगह कम है, कचरा मिट्टी वगैरह फंसने की वजह से ये गटर जो है अभी भर गया है। लेकिन यहाँ पर सफाई कर्मी भी पहुँचे हुए हैं मनपा के, वो साफ करने की जो है इसकी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बीच में ही जो है यहाँ पर मिट्टी जो है फंसी हुई है, इस वजह से ये भरा हुआ है। और स्थानीय लोगों का ऐसा कहना था कि रोड ये कंक्रीटीकरण पहले था, अच्छा रोड था, इसे दोबारा जब बनाया गया उसका लोगों ने एतराज़ जताया था, उसके बाद ये काम जो है बंद कर दिया गया था, लेकिन इसी वजह से जो है ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं तकलीफ़ हो रही है।